अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौकरिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। NDA में गांठ देखकर बैकफुट पर आया JDU, मीनापुर से बदल दिया कैंडिडेट। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच टिकट देने में JDU में खेल जारी है। मीनापुर से JDU उम्मीदवार का विरोध हुआ तो उन्होंने अपना सिंबल ही लौटा दिया, जिसके बाद JDU में मनोज कुशवाहा से सिंबल लेकर मनोज कुमार को सिंबल दे दिया गया है। विरोध के बीच JDU में मीनापुर में अपना उम्मीदवार को बदल। बिहार में वोटिंग से पहले PM मोदी करेंगे मन की बात, गेम चेंजर हो सकता है साबित। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है, लेकिन इसके ठीक 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू होंगे, लेकिन बिहार चुनाव के ठीक पहले होने वाले मन की बात को गेम चेंजर की तौर पर देखा जाए। भाजपा में दूसरे चरण के उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी, दिल्ली में आज है महत्वपूर्ण बैठक। भाजपा ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों की घोषणा से पहले राष्ट्रीय चुनाव संचालन समिति की बैठक शनिवार शाम दिल्ली में बुलाई है। बिहार के बैठक में शामिल होने के भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस विशेष विमान से रवाना हो गए हैं। इस तरह बिहार भाजपा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष नित्यानंद राय, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मंगल पांडे और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी दिल्ली गए हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय मुख्यालय में शाम 6 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई है। मुजफ्फरपुर की मीनापुर विधानसभा सीट से मनोज कुमार होंगे JDU प्रत्याशी। पहले मनोज कुशवाहा को मिला था सिंबल। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है। इस बीच JDU ने मीनापुर सीट से अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। अब मनोज कुमार यहां से चुनाव मैदान में होंगे। शनिवार को उन्हें विधिवत रूप से सिंबल प्रदान किया गया। सुपौल पुलिस के सघन जांच अभियान में मिली बड़ी सफलता। नेपाल सीमावर्ती सुपौल के तीसरे चरण विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट और चौकस हो गई है। सुपौल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सदर SDO और सदर DSP बिहार पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ मिलकर जिले के एंट्री पॉइंट पर सघन वाहन जाँच कर रही है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह द्वारा जमालपुर विधानसभा के नक्सल प्रभावी मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के नक्सल क्रिटिकल और वनरेबल मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया, साथ ही आम मतदाताओं से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर समस्याएं जानी। मुंगेर पुलिस अधीक्षक ने धराड़ा और लड़ैया टांग थाना क्षेत्र के वनरेबल मतदान केंद्र का दौरा किया तथा वहां से मतदाताओं के मतदान को लेकर समस्याएं जानी। गया में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी बिहार चुनाव की पहली रैली। JP नड्डा की सभा को सफल बनाने में जुटे कई भाजपाई। सभा में कोरोना से संबंधित सारे गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, बगैर मास्क एंट्री नहीं होगी। नड्डा की सभा रविवार की दोपहर गया के गांधी मैदान में होने जा रही है। नड्डा जिस मंच से सभा को संबोधित करेंगे वह 30x20 फीट होगा। रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा, दीघा घाट पहुंचे कई नेता और मंत्री। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। अंतिम यात्रा में उन्हें विदाई देने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई थी। बिहार में फिर मिले कोरोना के 1140 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,94,966। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1140 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,94,966 हो गई है। बिहार में फिलहाल 12,250 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं।